रोनाल्डो का कोका कोला को नो कहते ही कोका कोला के शेयर एक दिन में $4 बिलियन गिर गए। कोका कोला को $4 बिलियन का नुकसान एक दिन में हुआ है। बता दें, ये तब हुआ जब प्रसिद्ध पुर्तगाली फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोका कोला की बोतलों को हटाकर पानी को तवज्जो दिया था, जिसके बाद से कोका कोला के शेयर गिर गए। मालूम हो, रोनाल्डो इन उत्पादों को हेल्दी नहीं मानते हैं और इनका प्रचार भी नहीं करते हैं। एक तरफ हमारे देश के सेलिब्रिटीज सॉफ्ट ड्रिंक्स का खुलकर प्रचार किया करते हैं, जिनमें बड़े बड़े नाम शामिल हैं, सलमान खान, अक्षय कुमार, शाहरुख खान, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी जैसे नाम इनमें शामिल हैं। रोनाल्डो की तरह ही भारत में भी कुछ सेलिब्रिटी ने सॉफ्ट ड्रिंक के ऐड करने से मना कर दिया था। इनमें पुलेला गोपीचंद, पीवी सिंधु, सानिया नेहवाल, विराट कोहली आदि शामिल हैं। इनका कहना था, जो ड्रिंक्स हम नहीं पीते उन्हें जनता को कैसे सजेस्ट करें।